हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास सिक्स का जो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था और जो आंसर किए वो दोनों दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं आपको ना आंसर की थोड़ी सी दिखा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, ताकि आप दोनों अच्छे से ये देख सकें कि आपको दोनों चीज़ अवेलेबल है, फिर आप प्रैक्टिस कर पाए जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, और मॉर्निंग वाले जो बच्चे हैं वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों चीज देखिए। अब मैं सबसे पहले अब आपको क्या दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन पेपर फटाफट। देखिए, क्लास सिक्स का इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर ये पैसेज आई है, फिर इसको पढ़ के आपको आंसर देने थे। एमसीक्यू टाइप जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन दिखा दिए। ठीक है, अब इसके आंसर देख रहे हो। देखो यहाँ पर ना, जो इवनिंग वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि आपको चार करने होंगे। जैसे अगर नेक्स्ट के जो स्टूडेंट देखेंगे उनको बता दूं कि पांच में से चार करने हैं। ठीक है, ये पैसेज है, इसको पढ़ के फिर इनको आंसर देने हैं। तो अब मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ। देखिए आप, ये हो गए एमसीक्यू जो अनसीन पैसेज है उसके आंसर हो गए। ठीक है, अब मैं दूसरी पैसेज दिखाता हूँ, फिर इसको आंसर दिखाऊंगा। ठीक, ये हमारी दूसरी पैसेज है। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देख लो कौन से हैं। ठीक है, अब इसके आंसर देख लो आप। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ना राइटिंग स्किल है, तो राइटिंग स्किल में तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किया ना वो वाली देख लेना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर जो है ना एक एप्लीकेशन आई है एसएलसी के लिए, स्कूलिंग सर्टिफिकेट के लिए, अगर आप ये नहीं करते तो यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशन के लिए आई है। तो अगर किसी ने बर्थडे वाला इन्विटेशन याद कर रखा है तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सारा वैसे सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इसके आंसर तो होंगे नहीं, क्योंकि आंसर की में इसके आंसर नहीं होते, बस ये बता रखा है कि किस किस चीज़ के कितने नंबर मिलते हैं। फिर पैराग्राफ है माय फेवरेट हॉबी और माय फैमिली, दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, ये हिंट को आप यूज कर सकते थे। फिर ये आप ग्रामर देख सकते हैं, तो वैसे तो मैंने आपको पता ही वीडियो प्रोवाइड कर दी, पूरे पेपर को समझा दिया मैंने अच्छे से, पर इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की जो ऑफिशियल वाली आई है ना वो दिखा रहा हूं। ठीक है, वैसे आप वाली वीडियो जरूर देख लेना। जैसे डियर, अगर आपको वीडियो ढूंढते हो ना, तो आप वीडियो का नाम लिख के एएससी स्टार्टर लिखोगे ना, वो वीडियो आपको आराम से मिल जाएगी, भले तीन चार कदम पांच छह कदम नीचे आ जाए। आप देख लो, देखो ये सेक्शन बी में जो लेटर राइटिंग है ना बता रखे फॉर्मेट वगैरह के कितने नंबर है, और पैराग्राफ का बता रखा है कितने कितने नंबर किस चीज के हैं। फिर सेक्शन सी है, तो ये सारे के सारे आंसर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, तो यहां पर प्रेपोजिशन आपको भरनी है। ये गलत गलत भरे हुए हैं, इसे मत देखना, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं। आप ये सातवां और आठवां भी एक साथ क्वेश्चन देख लो, फिर इसके आंसर देख लो आप। ठीक है, ये प्रपोजिशन के आंसर हो गए, ये जो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना था ना उसके आंसर हो गए, फिर राइमिंग वर्ड के आंसर हो गए। बहुत सारी राइमिंग वर्ड होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि यही वाले टीचर चेक करेंगे तभी आपको नंबर देंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, उसके बाद डियर सेक्शन डी है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पैसेज आपकी बुक में से आपको इसको ढूंढ के आंसर देने थे। और ये 10वें नंबर की जो आपकी एक्सट्रैक्ट है पोएम,
तो इसके आंसर भी आपको इसमें से ढूंढ के देने थे। ठीक है, मैं पहले तीनों दिखा देता हूँ ना, फिर आपको आंसर दिखा दूंगा इन तीनों के। फिर ये आपकी बुक्स में से है, आपको वो चार करना है, तो ये आप अच्छे से ये भी कर लो, कई बार सेम आ जाते हैं। एक बात और बताऊंगा, कई बार इनके जो आंसर है ना पैसेज में मिल जाते हैं, पोएम में मिल जाते हैं, तो आप उसमें भी कई बार देख लेना। अब मैं आपको ये जो पैसेज है और ये जो स्टेंजा है और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके आंसर दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए सेक्शन डी है, तो इसका आंसर क्या क्या है आप देख सकते हैं। वहां पर एनिमल का पूछा गया था ना कि उसका सिनोनिम क्या होगा, तो उसे बीस्ट कहते हैं, BEAST। और डॉग ने जो है ना, यह पूछा था ना पहले क्वेश्चन में, आई किसके लिए यूज हुआ है, तो डॉग के लिए यूज हुआ है। और डॉग ने बेयर को छोड़ के किसको अपना मास्टर बनाया, लायन को बनाया। फिर उसके बाद ये 10th क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं क्या क्या है। फिर 11th क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको इस 11 क्वेश्चन के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आंसर देख लो आप आराम से। देखिए यहाँ पर आपको चार करने हैं। यहाँ पर ये जो है ना, ये डॉग से रिलेटेड है। यहाँ पर हु डिड द डॉग चूज एज मास्टर इन द एंड एंड वाई, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है कि जो डॉग है ना उसने लास्ट में किसको मालिक चुना और क्यों चुना। और ये व्हाट इज होम अकॉर्डिंग टू द पोएम, जैसे यहाँ पर पूछे ना होम, आपसे हाउस पूछ लेगा, तो होम किसे कहा गया है। फिर माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी जानती है कि घर को कैसे चलाना है, तो ये किसने का किसने का और क्यों कहा। ये आपको पता होगा ना, जुम्मन शेख ने अलगू से बोला है ना, तो कैसे कैसे बोला, क्या बोला, जो भी आपको पता होगा। अलगू ने ठीक है अपने को इंटायर स्पोर्ट मुसीबत में पाया, कैसे, क्या प्रॉब्लम हो गई थी भाई, उसको डिसीजन लेना था अपने फ्रेंड के खिलाफ, फ्रेंड फ्रंट के लिए इस तरीके से। फिर ये कह रहे व्हेन डज द काइट अपीयर फ्राइट, देखो ये वाला हमें आंसर इस चेंजर में मिल जाएगा। हाँ है ना, कुछ आंसर हमें मिल जाते हैं। ये कह रहे और ये अपनी ब्यूटी को कब खो देती है, ये भी हमें आंसर मिल गया, जब वो पेड़ पर अटक जाती है ना। चलो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, इसका आंसर देख लो। ये देखो यहाँ पर ये मेन मेन बात लिखी है, अगर आपने ये लिखा होगा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसी ये होम के बारे में मेन मेन बात। ये 4th क्वेश्चन है, जो मतलब मेरी पत्नी जानती थी, जुम्मन ने चाची को बोला था अपनी। ठीक है, मैंने वहां पे अलगू बोला था ना, अलगू यहाँ पे नहीं था, अभी यहाँ पे चाची और जुम्मन की बात हो रही थी। फिर ये जो है लास्ट जो क्वेश्चन है, चौथा नहीं सेकंड लास्ट, और 5वें क्वेश्चन ये रहा काइट वाला। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर। स्टूडेंट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।